दोस्तों, भले ही टीवी इंडस्ट्री के वर्सटाइल एक्टर धीरज धूपर कुंडली भाग्य सीरियल से एग्जिट हो चुके हैं, पर ये एक बार फिर पूरी तरह तैयार है अपने नए टीवी शो शेर दिल शेर गिल के साथ दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने के लिए, जिसमें आप इन्हें मुख्य अभिनेता के तौर पर एक अमीर शख्स की भूमिका निभाते हुए देखने वाले, जिसके लिए दर्शक इन्हें अभी से ही अपना खूब प्यार दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन भी करेंगे कि इस सीरियल के लिए धीरज धूपर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि धीरज धूपर के इस किरदार के लिए टीवी के कई और अभिनेताओं को अप्रोच किया गया था, पर किसी ना किसी वजह से उन अभिनेताओं ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। पर रिजेक्ट करने के बाद भी आज वो अभिनेता काफी ज्यादा इसको लेकर पछतावा भी कर रहा है। जी हाँ, तो आखिरकार टीवी इंडस्ट्री के वो कौन से अभिनेता है जो शेर दिल शेर गिल सीरियल में धीरज धूपर के इस रोल को रिजेक्ट करके आज बेहद ज्यादा पछता रहे हैं, आइए जानते हैं। नंबर एक, अर्जुन बिजलानी। सीरियल इश्क में मर जावा फेम एक्टर अर्जुन बिजलानी को भी शेर दिल शेर गिल सीरियल में मुख्य अभिनेता के तौर पर चुना गया था, पर क्योंकि इन्हें सीरियल के साथ साथ रियलिटी शो बिग बॉस का भी ऑफर मिला था, इसलिए बिग बॉस सीरियल में सिलेक्ट होने पर सबसे पहले इन्होंने शेर दिल शेर गिल को रिजेक्ट कर दिया। पर जिस तरह शेर दिल शेर गिल सीरियल अभी से ही दर्शकों का प्यार पा रहा है, उसे देखकर अर्जुन बिजलानी काफी ज्यादा पछता भी रहे हैं। नंबर दो, मोहसिन खान। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से मशहूर होने वाले अभिनेता मोहसिन खान की बात करें तो बता दें, ये भी अर्जुन बिजलानी की तरह शेर दिल शेर गिल सीरियल में धीरज धूपर के रोल को रिजेक्ट कर चुके हैं और आज काफी ज्यादा पछता भी रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इनके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है और साथ ही शेर दिल शेर गिल सीरियल के लिए धीरज धूपर को काफी हाई फीस दी जा रही थी, तभी तो शो को रिजेक्ट कर आज काफी ज्यादा पछता रहे हैं। नंबर तीन, अली गोनी। टीवी सीरियल के साथ साथ कई रियलिटी शो का भी हिस्सा रहने वाले अभिनेता अली गोनी की बात करें तो सीरियल शेर दिल शेर गिल को रिजेक्ट करके काफी ज्यादा पछता रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जब इनके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं था तब इन्होंने अपने हाथ आए इस प्रोजेक्ट को भी गवा दिया, जिससे शायद एक बार फिर दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना सकते थे। इस मौके को उन्होंने गवा दिया और इन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नंबर चार, शरद मल्होत्रा। नागिन और बनू में तेरी दुल्हन जैसे कई टीवी शो में नजर आए अभिनेता शरद मल्होत्रा की बात करें तो बता दें, इन्होंने शेर दिल शेर गिल सीरियल को सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इन्हें सीरियल की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, पर आज इन्हें अपने इस फैसले पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है क्योंकि इस सीरियल में इन्हें एक बार फिर अपनी कोस्टार रही सुरभि चंदाना के साथ काम करने का सुनहरा मौका मिल रहा था, जिनके साथ दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया था, पर इन्होंने अपने हाथ आए इस सुनहरे मौके को मिनटों में गवा दिया। नंबर पांच, पौलवी पुरी। इस लिस्ट में एक नाम अभिनेता पौलवी पुरी का भी शुमार है, और अगर बात करें कि आखिरकार इन्होंने शेर दिल शेर गिल सीरियल का प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट कर दिया और क्यों इन्हें अब पछतावा हो रहा है तो बता दें कि सीरियल में इन्हें लीड एक्टर का किरदार कुछ खास पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से इन्होंने ये शो रिजेक्ट कर दिया, पर शो में इन्हें टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि चंदाना के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, जिससे अपनी पॉपुलैरिटी में ये चार चांद लगा सकते थे, पर अब इनके हाथों से ये सुनहरा मौका चला गया और अभी अपने फैसले पर पछता रहे हैं। नंबर छह, राहुल वैद्य। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में नाम शुमार होता है अभिनेता राहुल वैद्य का, तो बता दें कि धीरज धूपर से पहले शेर दिल शेर गिल सीरियल के लिए इन्हें भी अप्रोच किया गया था, पर इन्होंने सीरियल के लिए अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इसीलिए रिजेक्शन के बाद अभी काफी ज्यादा पछता भी रहे, और वह भी इसीलिए क्योंकि इन्हें पहली बार किसी सीरियल में लीड एक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिला था और उस मौके को इन्होंने बिना सोचे समझे गवा दिया। वेल दोस्तों, इन टीवी एक्ट्रेस में से किसने शेर दिल शेर गिल सीरियल में धीरज धूपर की रोल को रिजेक्ट करके सबसे बड़ी भूल की है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।